हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डायमंड एडुकेयर। तो इस वीडियो में हम टूथपेस्ट के बारे में देखेंगे, टूथपेस्ट होता क्या है, इसके फॉर्मुलेशंस के बारे में देखेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं विथ एग्जांपल्स, वन बाय वन हम देखते हैं। ओके, डेंटफ्रिस। डेंटफ्रिस मीन्स कि वो सब्सटेंस जो टीथ को क्लीन करते हैं। सो डेंटफ्रिस सच एज टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स एंड टूथ जेल्स आर मीन फॉर द क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ टीथ बाय रिमूविंग द फूड डेब्रिस एंड द प्लेक एडहेयर टू द सर्फेस ऑफ टीथ विच इज़ द मेन कॉज ऑफ टूथ प्रॉब्लम्स। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे टीथ पे प्रेजेंट जो भी फूड डेब्रिस होते हैं, प्लेक जो एडहेयर होते हैं, उन्हें ये रिमूव करने में हेल्प करते हैं। किसी भी डेंटफ्रिस की जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, अब हम उसकी बात करते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सो पॉइंट नंबर वन इज़ इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्लीनिंग द टीथ एडिक्वेटली बाय रिमूविंग फूड डेब्रिस। सेकेंड पॉइंट इज़ इट शुड हैव ए प्लीजेंट, कूल एंड रिफ्रेशिंग सेंसेशन इन द माउथ। थर्ड पॉइंट इज़ इट शुड बी हार्मलेस, नॉन टॉक्सिक एंड शुड नॉट कॉज इरिटेशन इन द माउथ और एनी अल्सर्स इन द बक्कल कैविटी। फोर्थ पॉइंट इज़ इट शुड बी ईजी टू पैक एंड ईजी टू यूज़। फिफ्थ पॉइंट इज़ इट शुड बी एबल टू मेंटेन इट्स फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑल थ्रू इट्स कमर्शियल पीरियड ऑफ स्टोरेज। सिक्स्थ पॉइंट इज़ द एब्रेसिव कैरेक्टर ऑफ डेंटफ्रिस शुड बी अंडर द लिमिट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड शुड नॉट बी हर्स ऑन द इनेमल एंड द डेंटाइन। सेवन्थ पॉइंट इज द असेसमेंट ऑफ एनी क्लेम्स शैल बी सर्टिफाइड बेस्ड ऑन प्रॉपरली कंडक्टेड क्लिनिक ट्रायल्स। एट पॉइंट इज इट शुड कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ईसी कॉस्मेटिक डायरेक्टिव विच स्टेट्स डैट इट इज़ नॉट लाइबल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ वेन यूज अंडर नॉर्मल कंडीशंस। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज मोस्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इकोनॉमिकल टू परचेज इन ऑर्डर टू इनकरेज रेगुलर एंड द फ्रिक्वेंट यूज बाई कॉमन पीपल। तो ये नाइन पॉइंट्स थे जो किसी भी डेंटिफ्रिस की जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फॉर्मुलेशन। तो इसके फॉर्मुलेशन में अप्रॉक्स 10 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, पॉलिशिंग एजेंट और एब्रेसिव एजेंट, फोमिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट्स, जेलिंग और बाइंडिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, वाइटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेशंस एंड द थेराप्यूटिक एजेंट। तो वन बाई वन हम सबके बारे में देखेंगे विथ इट्स एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट वन इज़ पॉलिशिंग एजेंट और एब्रेसिव एजेंट that is used to polish the teeth and remove debris adhere to the surface of the teeth and they are used in concentration of about 20-50% of total formulation and examples are precipitated calcium carbonate, phosphates of calcium, dental graded silica or polymers of silica and the trihydrated alumina. Precipitated calcium carbonate, it is also known as precipitated chalk and is available in number of grades in white or white off colors and जो भी lighter grades होते हैं वो very stable होते हैं and do not get hardened on storage and crystalline forms of precipitated chalk may be available as calcite or aragonite. अगर इसका हम डिसएडवांटेज देखें तो ये इनकम्पेटिबल होता है विथ सोडियम फ्लोराइड विच इज़ यूज्ड एज एंटी कैरीज एजेंट। सेकेंड वन इज़ फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम। इट इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट दैट आर यूज्ड एज एब्रेसिव एजेंट्स लाइक डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाईहाइड्रेट एंड दिस डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाईहाइड्रेज इज़ कॉमनली यूज्ड एब्रेसिव एजेंट अमंग द फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो गुड फ्लेवर स्टेबिलिटी होती है इसके पास, हैव लेस एब्रेसिव इफेक्ट ऑन डेंटाइन। टूथपेस्ट मेड विद डीसीपी मीन्स डाई कैल्शियम फॉस्फेट आर बेटर देन टूथपेस्ट मेड विद चॉक। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये इनकम्पैटिबल होता है विद सोडियम फ्लोराइड। डेंटल ग्रेडेड सिलिका और पॉलीमर्स ऑफ सिलिका, दीज आर कॉमनली यूज एज एब्रेसिव एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टूथपेस्ट जेल्स इन लार्ज क्वान्टिटी एंड अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म इज एब्रेसिव फॉर्म ऑफ सिलिका एंड द सेकेंड फॉर्म इज थिकनिंग फॉर्म ऑफ सिलिका। दे कैन बी यूज इन लो कंसनट्रेशन। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो एब्रेसिव प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिस्टेंट विद इन डिफरेंट ग्रेड्स।
फोर्थ एग्जाम्पल इज ट्राईहाइड्रेटेड एल्यूमिना. इट मे बी अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, एज सस्पेंशन और एज क्रिस्टलाइन पाउडर. एडवांटेज इसका ये होता है कि ये लेस कॉस्टली होता है, पॉजेज स्टेबिलिटी विथ फ्लोराइड्स एंड हैव गुड एब्रेसिव प्रॉपर्टी. डिसएडवांटेज इसकी ये होती है कि पुअर थिकनिंग प्रॉपर्टी होती है. नाउ फोमिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेटिंग एजेंट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज बाई रिड्यूसिंग द सर्फेस टेंशन एट द इंटरफेस ऑफ द एडहेयर्ड मटेरियल एंड इनेमल ऑफ द टीथ. एंड ऑल्सो इट शुड बी कंपेटिबल विथ अदर इन्ग्रीडियंट्स ऑफ फॉर्मुलेशंस. शुड पॉजेज गुड सर्फेस एक्टिव प्रॉपर्टी. Should be non-toxic, non-irritant to the oral mucosa of the buccal cavity and should be tasteless. Examples की बात करें तो जो common examples हम used करते हैं as surfactants that are sodium lauryl sulfate and sodium lauryl sarcosinate. Humectants, they are used in order to prevent the rapid drying of dentifrices. They prevent excessive moisture loss from the product and also they may additionally impart plasticity to final product, and concentration of humectant used in humectants may vary from 20% to 40%. एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉर्बिटॉल 70 डैट कंसिस्ट 70% वेट बाई वॉल्यूम कंसनट्रेशन ऑफ द सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन. सेकेंड वन इज ग्लिसरीन एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल. जेलिंग और बाइंडिंग एजेंट्स. दीज एजेंट्स आर यूज इन ऑर्डर टू होल्ड द सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स टूगेदर टू फॉर्म ए स्मूथ पेस्ट एंड मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्टोरेज. ऑल्सो प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम पेस्ट एंड ऑल्सो एडप्ट टू द बॉडी एंड विस्कोसिटी टू द फाइनल फॉर्मुलेशन. कॉमनली यूज बाइंडिंग एजेंट्स जो होते हैं वो मेनली सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि CMC कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, SCMC सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, एंड इट इज़ यूज इन कंसनट्रेशन बिटवीन 0.9% to 2%. एंड ऑल्सो थर्ड वन इज़ हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज. नेक्स्ट वन इज स्वीटनिंग एजेंट. Added in order to improve the sweetening properties and cover the bitter taste of other ingredients like surfactant, binders, etc. Examples की बात करें तो saccharin sodium, chloroform, aspartame and the cyclamates. Flavoring agent. It may comprise the most proprietary and the most crucial part of formulation, essential to meet the consumer preferences. They are generally a mixture of edible volatile oils consisting of spearmint and the peppermint oil as major components. The other components include maybe thymol, anethol, etc. And they are used in concentration range of about 0.5 to 1.5% and constitute the most costly part of the formula. Now, whitening agent. Whitening agents such as titanium dioxide shall be preferentially added in order to provide additional whiteness and brilliance to the paste. Next one is coloring agent. They are used in concentration of less than 0.01% as permitted by the EEC cosmetic directive, and they can be used generally in combination with a portion of a white creamy base. They are mainly in order to influence consumer preferences. Preservatives. They are used in the formulations in order to maintain the properties of the product throughout the storage period and to improve the shelf life of the product. Generally, a mixture of 5% methylparaben and 0.02% propylparaben is the most effective and commonly used combination preservatives. Sodium benzoate is not preferred due to its incompatibility with some of the therapeutic agents. Therapeutic agents are included in toothpastes in order to provide additional beneficial effects beside normal cleansing properties. Examples की बात करें तो first one is anti-caries agent. Examples are fluoride derivatives like sodium fluoride. Second one is anti-plaque agent. Example are chlorhexidine. Third one is anti-tartar agent that prevent the coloring of teeth. Example zinc salts. Fourth one is sensitive dentine agent. Examples are strontium chloride or formaldehyde. Fifth one is optical brightness. Examples are substituted cumarins in long chain alkyl amines. And next one is bleaching agent. Examples are hydrogen peroxide or sodium peroxide. Last one is pH regulators.
examples are zirconium salts. So these are the examples of therapeutic agents. So this is all about toothpaste, general requirements of a dentifrice and its formulations.